अभी हमारे पास आटा है थोड़ा सा एक बाउल में, ये देख ले आप, आटा, अंडा, नींबू और फिर दो पाउल्स और वो दही। तो अभी किसी हमने अभी देखा था कि पता ही नहीं किसी लड़की ने बोला उनको तरीका समझ नहीं आता, उनको तमीका नहीं समझ आ रहा, तमीका नहीं तरीका नहीं समझ आ रहा था कि ये मास्क लगाना कैसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फिजाली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज भी सुबह सुबह उठ गई हूँ क्योंकि हम मैं और फराज सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और नॉर्मल लोगों की तरह जैसे नमाज पढ़ने के बाद अगर दिल होता है तो वॉक पे चले जाते हैं, बाहर कोई नहीं होता, रश नहीं होता तो मज़ा आता है, और साथ साथ सोशल मीडिया भी देखते हैं जो कि आजकल ट्रेंड है, हर कोई सोशल मीडिया पे अपना टाइम पास करता है। तो मैंने जब सोशल मीडिया स्क्रॉल किया तो उधर एक मेरी बहन बेचारी मुझे बहुत परेशान लग रही थी, उनको जो मेरी रेमेडी है मास्क की जो मैंने निदा यासर के शो पे बताई थी बोटॉक्स मास्क, तो जो मुझे बहुत सूट किया तो वो जो है वो ट्राई कर रही थी। जाहिर सी बात है हर कोई किसी ना किसी तरीके से अपनी स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान होता है, मगर कोई ऐसी हर्बल जो रेमेडी होती है या कोई ऐसी क्रीम या कोई ऐसा नुस्खा जो है किसी ना किसी को सूट कर जाता है तो उनकी स्किन जो है वो बैलेंस हो जाती है, हमेशा किसी को कुछ सूट करने के ऊपर होता है। तो मुझे भी एक चीज़ बहुत सूट की है, मैं साल डेढ़ साल से ऊपर हो गया यूज़ कर रही हूँ और बहुत इफ़ेक्टिव है, तो आपको भी आज दोबारा बताती हूँ। हुआ ये कि उनकी वीडियो मैंने जब सोशल मीडिया पे देखी तो वो बहुत परेशान थी, उनकी बहन बेटा या भाई आई डोंट नो उसने भी साथ में वो मास्क लगाया था, उनकी बेटी लगाया था। हाँ, मामा कह रही थी ना, मामा कह रही थी। अच्छा, तो उन्होंने मास्क लगाया हुआ, ये कौन सा मास्क है? मैंने निदा यासर के शो में ना देखा था, फिजाली बता रही थी कि वेट अ मिनट। हाँ जी, सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, अभी चली जाएगी वॉमिट की स्मेल। अच्छा, मैं बता के रही थी कि राइस फ्लोर या बॉइल्ड राइस प्लस योगर्ट प्लस एग योक और लेमन, ये चार चीज़ें मिक्स करके लगाएं तो फेस पे पता नहीं क्या, वो डेढ़ साल से कर रही हैं और ऐसा मेडिकल हो रहा है ये वो, बहुत मतलब इन शॉर्ट उन्होंने बहुत तारीफें की थी इस मास्क की, तो मैंने कहा ट्राई करते हैं यार, वैसे भी हर्बल है, हर्बल ने क्या मतलब ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने अपने साथ हिबा को भी फंसाया इस काम में, तो शी इज़ ऑल्सो देयर, यू लाइकिंग इट? लेकिन मैं आपको बताऊं, अब हम सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं कि जो उन्होंने बोला था ना कि फर्स्ट टाइम के बाद भी रिजल्ट्स विजिबल होंगे, तो वो सिर्फ वो जो फर्स्ट टाइम के बाद वाले रिजल्ट्स हैं ना उनको देखने के लिए हम इतना सफ़र कर रहे हैं। लेकिन मुझे उनसे शिकायत ये है कि अगर आप ऐसा ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठ के ऐसा कुछ बता रही हैं तो प्लीज़ पूरा बताएं कि इसकी स्मेल इतनी ख़तरनाक हो सकती है कि आप खाया पिया सब जो है ना वो बाहर आ सकता है, इतनी गंदी स्मेल है, ना पूछे मेरे से, मुझे ऐसे लग रहा है मुंह तो ठीक कर लूँ या जो भी होगा मुंह पे अंदर का सिस्टम एक बार ख़राब हो गया ये, इसको तो लगता है आईसीयू लेके जाना पड़ेगा। यू लव इट राइट? यू लव इट ना? हाउ मच यू लव इट? जिसकी हिम्मत है वो ट्राई करे। मैं आपको अपना फर्ज समझ के, मेरे मुँह से आ रही है ये वॉमिट की स्मेल इस मास्क में से आ रही है, बस कर दो, मत पूछो बार बार मुझे खुद वॉमिट आ रही है। खैर, ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने कहा मैं शेयर कर दूँ, जिसे ट्राई करना है बहुत बर्दाश्त और अपने इस माइंडसेट के साथ जिसको भी ट्राई करनी है वो करे कि एक बार वॉमिट आएगी, हमारी बहुत बुरी हालत है लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हमें टिल दैट टाइम देखना है कि रिजल्ट्स क्या आते हैं, जो उन्होंने बोला था एक ही बार में नज़र आ देंगे। यार गलत बात है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, कसम से मुझे पता था मैं कभी ट्राई ना करती। अब मैंने चार चीज़ें डाली हुई हैं वो भी मेरी ज़ाया होंगी और फिर इतनी जब बर्दाश्त कर ली है वो भी ज़ाया होंगी। पाँच मिनट और करती हूँ उसके बाद होंगी बाय। तो जैसे मैं फरहान को लगाती हूँ, वैसे उन्होंने भी अपनी बेटी को ट्राई करवाया तो वो उनको स्मेल बहुत आ रही थी इसकी, और दूसरा उनको प्रॉब्लम और क्या हो रहा था, स्मेल की। स्मेल फरहान का ना कद छोटा है तो यहाँ पे खड़े होकर वीडियो नहीं बना सकती, वो किचन के स्लैब के ऊपर खड़ी होकर वीडियो बना रही है, आई एम सॉरी। तो मैं उसको उधर देख रही हूँ, आपको इधर। हाय। अच्छा, अब सीन ये है, फिर थोड़ा सा फोन नहीं चाहिए, नहीं तो गर्दन दुख जाएगी। हाँ, अच्छा, अब सीन ये है कि मैं आपके सामने बना के दिखाती हूँ कि वो रेमेडी क्या थी और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि उस वीडियो में बेचारी शिकायत भी करी है कि फिजा ने अगर बना के दिखाई होती पूरा तरीका, अगर हमने सही से सुना होता तो हमें पता चल जाता कि वो कैसे बननी है। तो वे सब रेमेडी और मैं आपको करके दिखाऊंगी। अच्छा, मैं सुबह सुबह मुंह नहीं धोती, अभी सुबह के 6 बज रहे, मुंह नहीं धोया हुआ मैंने, ठीक है? और तो पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता है, पानी गर्म की वजह से नहीं,
मैं मुंह धोती नहीं, सुबह नहीं धोती, क्योंकि आपका जो चेहरा है वो रात भर जो भी चीजें आप अगर लगाते हैं, जो रेटिन ऑयल लगा ले, विटामिन सी है, जो जो लोग जो जो चीजें लगा रहे होते हैं, नाइसिनामाइड, पता नहीं कौन कौन सी आजकल जो यू नो सीरम्स वगैरह लोग यूज, वायरल जा रहे हैं, तो वो लोग लगाते हैं, तो फिर यू नो वो पूरा रात भर असर छोड़ता है, सुबह वो ऑयल प्रोड्यूस करता है चेहरा। तो सुबह सुबह जो है अच्छी तरीके से मुंह नहीं धोना चाहिए, रात को सोने से पहले अच्छी तरीके से मुंह धो लेना चाहिए। तो मेरा रात का मुंह धुला हुआ है, अभी चेहरे पे कुछ भी नहीं लगा, और मैं अब आपको रेमेडी बना के अपने चेहरे पे लगा के दिखाऊंगी। वाकई में एक बार में इफेक्ट आपके चेहरे पे आपको नजर आएगा। उसके बाद आप, मैंने जैसे कि बताया, वीक में थ्राइस आप इसको यूज कीजिए। इट्स बेटर यू नो फॉर योर रिंकल्स, इट्स गुड फॉर योर झाइयां, इट्स गुड फॉर योर स्किन। आप मेरी स्किन में देखें, पर हर दिन नहीं करना, हाँ डेली नहीं करना। आप मेरी स्किन में देखें, आंख के नीचे कोई रिंकल नहीं है, आपके सामने रेमेडी बनाऊंगी जो कि बोटॉक्स वाला काम करती है। अच्छा, इसको एक बार की रेमेडी से आपके स्किन में एक सॉफ्टनेस, ग्लो सब कुछ आना शुरू, जैसे मेरा हो गया। आपका कब हो गया? आपको तो मैं कभी कभी लगाती हूँ। अच्छा एनीवे, तो हम लगाते हैं, बनाती हूँ, दिखाती हूँ कैसे बनी है कैसे नहीं। मेरे पास है, she has her own bottle of आटा, ठीक है, ये वो राइस का, ये कोई देसी आटा नहीं है, not देसी, राइस का, देसी अंदर नहीं है, as you guys can see, ऐसे आपने राइस का आटा लेना है, राइस का आटा है। अब ये मैं पीछे हो जाऊं, okay, इतना enough है, yeah, okay, और ये है आपका अंडा, मैं ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ठीक है, and इसमें से अपने व्हाइट नहीं लेंगे यार, अगर आ जाए तो ऐसे निकाल, जैसे आपने अभी डाल दिया, यू फॉरगॉट, आ भी जाए तो कोई मसला नहीं, मगर मैं निकाल देती हूँ, ठीक है। वो मामा अपने सर पे लगाती है, जस्ट गुड योर हेयर्स बी शाइनी, हाँ जो बच जाए वो आप बाद में अपने सर पे लगा लें, ठीक है, वन मोर डेफिनेशन। अच्छा अब ये होता है कि आप इसके साथ आटे का थोड़ा सा पेस्ट, पहले अगर आपका दिल कर रहा है तो थोड़ा सा रोज वाटर डाल के पहले गाढ़ा करो। यू गाइस सॉरी कैमरा हिल रहा है, पर मैं बस उसको आप पहले गोल लें तो फिर ये गुठलियां नहीं बनती, मगर मैं यूज टू हूँ क्योंकि मैं लगाती रहती हूँ, तो मैं सब कुछ एक साथ डाल देती हूँ। मैं तो अंडे के साथ इसको मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा घुमाती 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 हूँ तो फिर ये गल ही जाता है। अच्छा ऐसे आधा नींबू और छोटा नींबू, ठीक है, इनफ, छोटे साइज का आधा नींबू इज इनफ, ये विटामिन सी का सही वाला मजे का काम करेगा आपके चेहरे पे। लेमन, बिकॉज़ लेमन ब्लूम्स देता है, ठीक है, दही, नॉट देसी दही, देसी भी लगा सकते हैं, देसी तो और अच्छा है, घर का बना दही, देसी कैसी कैसी बातें बोलती है लड़की, बस जो मेरे से सुनती है ना वो बोलती है, तो अभी छोटी है, इसको पता कुछ नहीं है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता, यस, क्या पता? मैं भरती हूँ, आप ये देखें किस तरह का पेस्ट बन रहा है, टूथपेस्ट पेस्ट नहीं, फरहाल पेस्ट, मास्क पेस्ट। अच्छा जो लोग अपने बच्चों को ये लगा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर लगाना है बच्चों वंस इन अ मंथ, तो वंस इन अ मंथ इज इनफ, और वंस इन अ मंथ सॉरी मंथ बच्चों को लगाना है तो वंस इन अ मंथ इज इनफ, मगर 5 से 6 मिनट मुंह पे सुखाना नहीं है इस पूरे मास्क को। अच्छा अब ये जो मैंने नींबू डाला है, ठीक है, ये जो अंडे की जल्दी है, ये जो दही है, ठीक है, ये और ये जो ऐसे देखे पेस्ट, ये जो बन गया है, क्योंकि जैसे मेरी मामा के नेल थे वैसे मेरी अंदर, as you guys can see, ये इतना अच्छा वर्क करेगा आपकी स्किन के ऊपर कि मैं आपको क्या बताऊं। ये इसको सुखाना नहीं है चेहरे पे, जैसे वो मेरी बेचारी बहन, मैंने उनको देखा कि वो चेहरे पे सुखा रही थी, वेट कर रही थी, सुखाना नहीं है इसको, वैसे इतना सूखता भी नहीं, अगर पेस्ट अच्छी तरीके से बना हुआ हो तो वैसे वो जमा हुआ सूखता नहीं है ये, ठीक है। अब ये रही इसकी, ये फिनिश्ड है, कैसे देखा दिख रहा है आपको, आह आह, अब ये मैं चेहरे पे लगाऊंगी आपको। Can I smell it? There's no smell, you guys. Flower की स्मेल है, किसी भी स्मेल नहीं है क्योंकि इसमें नींबू है, इसमें और सब कुछ है, क्योंकि दाग धब्बे थोड़े बहुत तो हरे के चेहरे पे होते हैं, मेरे भी हैं, दिख रहे हैं ना, सिवाय आपके तो सबके होते हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट रहें, आप कैरी करें, कुछ नहीं होता, और ज़रा नेचुरल भी लगता है,
मगर हाँ कुछ ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रिंकल्स, उसको अगर आपने सही टाइम पे नहीं रोका या अपनी स्किन केयर नहीं किया, ख्याल नहीं किया, तो वो बढ़ जाती हैं। पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको अपनी स्किन से लेके फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपके चेहरे पे मेकअप नहीं बैठता, आपकी स्किन जो है वो एकदम से बूढ़ी लगना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत जल्दी अर्ली एज से शुरू कर देना चाहिए। ये वाकई बोटॉक्स का काम करता है? यू सी मेरी आईब्रो सब हिल रही हैं, लाफ लाइन्स है, वो कहीं पे भी मेरे बोटॉक्स फिलर्स नहीं है ये। जी बेटा क्या हुआ? नीचे मेरा आईपैड है। अच्छा, वो अपने आईपैड की भी फिक्र कर रही है। कुछ नहीं, मैं गिराने वाली। अच्छा, अब ये जो मैंने मास्क बनाया है ये मैं आपके सामने इस धुले मुंह पे लगाने लगी हूँ, ठीक है? और वाकई इफेक्ट देता है, पहले बारी में भी और उसके और देखिए इफेक्ट आपको ये नहीं चाहिए कि आप चिट्टे हो जाएंगे, ये इफेक्ट वो इफेक्ट है जिससे आपके रिंकल्स कंट्रोल हो जाएंगे, आपके आंख के नीचे की झुर्रियाँ, आपके चेहरे की झुर्रियाँ, आपके यू नो स्किन टाइट फील हो जाएगी, एकदम से स्किन टाइट नहीं होगी मगर स्किन टाइटनिंग की तरफ चली जाएगी, ठीक है? तो ये वो मास्क है और ग्लो भी आएगा क्योंकि इट्स अ बोटॉक्स मास्क, ट्रस्ट मी। जैसे मेरी मामा के नेल्स वैसे मेरी मामा का मास्क, शी इज ऑलवेज डूइंग दिस। मुझे कभी भी ना गोरा होने का शौक नहीं हुआ, ये देख रहे हैं आप किस मिकदार में, और मैं शुरू से कोई गोरी चिट्टी नहीं हूँ। हाँ, बस स्किन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। गाइस जस्ट बी नेचुरल, ये क्रीम क्रीम्स डोंट वेयर इट, ऐसे कोई इफेक्ट नहीं है इनमें, कोई बदबू नहीं है। ये वो जो आपने चावल का आटा नहीं है, मैंने दिखाया और सुंगाया इनको, इनको सुंगाया जाए, नहीं है कुछ भी नहीं है, इनको सुंगाया तो सही, क्योंकि लेमन की स्मेल ज्यादा उसके अंदर आती है और चावल का जो आटा उसमें बदबू तो नहीं होती और अच्छी खुशबू होती है और अंडे की जर्दी है। ये देखे चीटने वाले आपकी नाक से, आपकी नाक से ही बस ठीक है। ये देखे मुझे मामा इसमें बहुत खूबसूरत लगती है, मुझे अभी तक से नहीं पता क्यों। मैं इसको हफ्ते में 3 बार लगाती हूँ और जैसे कोई मेरा स्पेशल कोई शूट है, मुझे कहीं जाना है, फिर मामा 4 दिन हफ्ते में करती है, तो फिर मैं अगर मुझे अर्जेंट भी करना पड़ता है तो मैं एक बार करके ना इसको अच्छी तरीके फेस वॉश करके फिर मेकअप करती हूँ। इतनी अच्छी तरीके से बेस बैठती है और शाइन, लाइक कैसे लगता है बंदा बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल लगा दिया बंदे ने। हाँ, मैं कहीं फेशियल के लिए जाती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं पहले से फेशियल हुआ हुआ ये सब का। अच्छा, मैं ब्लीच नहीं कराती चेहरे पे, ब्लीच नहीं कराती, और ब्लीच आप प्लीज़ छोड़ दें ज़िंदगी में इस आग को मुंह पे लगाना, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन बचे, जलती तो है स्किन, जलन उससे बंदा गोरा होता है। मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी, है फिलहाल As you guys can see, she doesn't put bleach, she hates bleach. क्योंकि मामा ने बहुत सारे लोग देखा लगाते हुए, फिर उनकी रिजल्ट जो होते हैं बहुत बुरे होते हैं। हाँ, बंदा गोरा होता है पर उनके दाने आप लोग देखते रहे हो, दाने बर्न हो जाती है सबसे बड़ी बात। यस, बंदा पिंक से ज्यादा रेड हो जाता है बहुत। ये देखें आंख के नीचे मैं भर भर के लगा रही हूँ, कुछ नहीं होता। अब इसको सुखाना नहीं है, ठीक है? अब इसका तरीका ये कि आपने लगा लिया तो आपने लगाने के बाद इसको गलत एंगल पे एक तो बैठना नहीं है। गलत एंगल किस तरह होता है, जैसे आप कैमरा को अगर हमने ऐसे नहीं, आप फेक लगा के बैठ गए, मोबाइल यूज कर रहे हैं, हमने गर्दन बिल्कुल नीचे कर ली, यू नो, तो गर्दन पे लाइंस, तो वो लाइंस आपकी हमेशा क्लियर होगी, वो हद ही नहीं। ज्यादा बोलना नहीं है, इसको लगा के थोड़ा चुप रहना है, 15-20 मिनट की बात है, कोई काम कर ले, मगर बोले ना, बोलना नहीं है ज्यादा, इसको लगा के आपने थोड़ा सा सेटल रहना है, ऐसी पोजिशन पे रहना है कि ज्यादा। अब जैसे आपको फील होना कि ड्राई होने लगा है तो एक इसी तरह से, सपोज अभी ड्राई होने लगा है, ठीक है, ये एक और कोट आपने ऐसे लगा लिया। अब मैं इसको साफ करके मुंह धोकर आपको उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी दोबारा। तो आईब्रो के ऊपर भी लगाती हूँ फॉर द लिफ्टिंग, ताकि क्योंकि इस जगह पे भी ना आपको बहुत जल्दी झुर्रियों का प्रॉब्लम आ जाता है, तो मैं तो लगा ले, मगर ये कि डार्क सर्कल खत्म हो जाते हैं। देखिए मैं यहाँ बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि अंदर वो जो आपकी आंखें जो अंदर काली होती है वो तो ज़रूर लगाए। ये बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत अच्छा है, यकीन कीजिए। बस को चेहरे पे सुखाना नहीं, मैं बार बार बता रही हूँ, सुखाना नहीं, ठीक है? आप इसको इस चीज को ब्रश से नहीं, हाथ से लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं होएगा। हाँ, हाथ से भी लगा सकते हैं, और बच्चों को वैसे नहीं लगा के देना, अगर कोई बच्चा आपके घर में बहुत जिद कर रहा है तो 3-4 मिनट के लगाइए, उसका मुंह साफ कर दीजिए, जैसे मैं बहुत बहुत करती हूँ। हाँ, बच्चों को अंडे की जर्दी हटा के लगा दें,
मतलब दही लगा दें, चावल का आटा थोड़ा सा लगा, उनको जर्दी सर पे लगा दें अगर उनको शाइनी बनने का शौक है। लगाए अब थोड़ी देर में जब फिर सूखने लगेगा मैं एक और इसका कोट कर दूंगी। ड्राई नहीं करना इसको और कोई स्मेल नहीं है, सच्ची बता रही हूँ, ठीक है? ऐसे ऐसे नहीं करना, तो अब आपको करके दिखा रही हूँ, तो ये सब नहीं करना ऐसे, क्योंकि इसी को तो दूर करने के लिए मैं चीज़ें लगा रही हूँ। और ये मुंह पर टाइट नहीं होता जाके, यूं वो नहीं बन जाता ये आपके मुंह पे, आप समझ रहे हैं ना, क्या प्लास्टर नहीं हो जाता आपके मुंह पे इसको लगा के। और आप देखें बार बार जब मैं इसकी रिकोट भी करी तो उसको ऊपर की तरफ लगा रही हूँ, ऊपर। ये मक्खी मेरे कमरे में कहाँ से घुस गई? She likes the smell. She was in your head. माँ, give it to me. No. इसको मैं आप उसके जाना भी खतरा है। आई कहाँ से? मामा, ये मक्खी आई कहाँ से? तो क्या आपने टिकट की खोली हुई है? हाँ. Okay. टाइम देखा है किसी ने या नहीं देखा? माँ मेरी शक्ल दिखा दे पहले. मेरी शक्ल. आपकी शक्ल. आ जाए दिखाएं. अगस्त मुबारक. अगस्त मुबारक. 14 अगस्त मुबारक. ओके, अब मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है? जब ये सूख जाएगा इसको वॉश करके अब आपको दिखाऊंगी। हाय अगेन. हेलो. मैं मुंह धो के आ रही हूँ, उनको बता दो. या तो मुंह धो रही है एंड आई विल वेट फॉर हर. यू नो गाइस, आई एम द कैमरामैन. मेरी मामा के जितने भी व्लॉग बने हैं ना, आई एम द कैमरामैन. बिकॉज माई मॉम ऑलवेज स्टेज इन होम समटाइम्स एंड व्हेन शी इज फ्री शी थिंक्स टू मेक अ व्लॉग. तो व्हेन शी स्टार्ट्स मेकिंग व्लॉग सो शी सेज मी दैट वराल कैन यू प्लीज मेक वीडियो. जब से मैं छोटी हूँ, राइट मामा? या मैं जब से छोटी हूँ शी सेज मी लाइक, मेरी मामा की पिक्चर जो सोलो वाली होती है ना वो भी मैंने की है. मेरी मामा की इंस्टाग्राम पिक्चर्स मैंने की, मामा की वीडियोस मैंने की. जैसे अभी यही मैं ही करी हूँ, मैंने अभी इसको पता ही नहीं रखा है, अभी एक बहुत ही बड़ी सी चेयर में हमारे पास होती है. सो आई विल मीट यू गाइस जब मामा अपने मुंह धोने से वापस आ जाएगी. मामा इतनी देर क्यों लग रही है? मामा एक तो बोल रही भी नहीं. फिर पूछूंगी मैं ऐसे पकड़ कर. अच्छा, चेहरे को ना जोर से रगड़ा भी मत करें टॉवल से, ठीक है? ऐसे ऐसे जो ऐसे रगड़ते हैं वो नहीं रगड़ा करें. और वैसे टॉवल जो है ना उसको चेहरे पे जब आप ऐसे तो थोड़ी देर के लिए बस ऐसे हल्का सा पानी को जो जज्ब होने दिया कीजिए. उस फर्क और ग्लो देख रहे हैं ना? ग्लो है ऑन योर चीक्स, पिंक एंड शाइनी एज आई गाइस टोल्ड यू. इतनी अच्छी रेमेडी है ये, मामा क्या बताऊं? व्हाट हैपेंड टू यू? वो फैन चल रहा है, ऑडियो में प्रॉब्लम आएगी. मैं जैसी है ये व्लॉग है ऐसी है, मुझे कोई व्लॉग बनाना आता नहीं है, मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रही हूँ सिंपली. मगर वाकई ये फिलर और ये बोटॉक्स हर्बल चीज को जो है कैच नहीं कर सकते. यू डोंट नीड इट. देखिए मेरी आंखों के नीचे कोई जुबिया नहीं है बिकॉज, और कोई फिलर बोटॉक्स नहीं क्योंकि मैं ख्याल रखती हूँ अपना, इतना भी नहीं रखती हूँ ऐसा रखना चाहिए. पास है? है? पास है? पास हाँ. इतना भी ख्याल नहीं रखती मैं भी, मगर ख्याल रखना चाहिए हमें सीरियसली. आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया. ऑल लिविंग थिंग्स नीड ग्लो. नेक्स्ट टाइम फिर एक और किसी अच्छी सी रेमेडी को लेके, किसी व्लॉग को लेके आपके सामने आऊंगी. अब डिड यू गाइस ट्राई द गोरा कावा? वो ट्राई करें. गोरा करने वाला? हां, वो बहुत अच्छा है. गोरा करने वाला कावा अच्छा है.
और फराल पीती थी बचपन में, तो अब भी पीती हूँ माँ, जब भी मेरी तबीयत खराब होती मैं भी पीती होती थी, मेरी अम्मी मुझे पिलाती थी स्कूल कॉलेज के टाइम पे। तबीयत के लिए अच्छा है बहुत, तबीयत के लिए अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है, जिगर के लिए अच्छा है, मैदे के लिए अच्छा है। वो कावा बहुत जल्दी मैं आपको दोबारा बना के, ऑल लिविंग थिंग्स नीड गोरा कावा ऑफ फिजा अली, या अल्लाह माफ कर। सब्सक्राइब द मैश मैश बटन। यस यस।